अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ये एक मेथड है जिसमें हम डीएनए सैंपल्स लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल के और उससे उसके यूनिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हम बता सकते हैं कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सिंपल। सो नाउ वी स्टडी हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक डीएनए सैंपल फ्रॉम पर्सन, just like we take hair follicle cells or blood cells or skin cells. Then after this DNA extraction किए जाएगी उस जो sample है उसकी using centrifugation method. अब centrifugation method क्या होता है? Centrifugation method के अंदर हम spinning करते हैं, का मतलब काफ़ी highly हम उसको rotate करते हैं speed में, एंड उसमें हम जो उसका sample होता है DNA का उसमें से हम चीज़ों को separate करते हैं based on their mass and density. After this process, now we have 46 chromosomes of DNA, purified DNA chromosomes. इसके बाद क्या method process हम करेंगे? RFLP, restriction fragment length polymorphism. इस method में क्या होता है, हम analyze करते हैं DNA को दूसरे लोगों से मतलब link करके कि मतलब इस बंदे का दूसरे लोगों से DNA से जो differences है वो क्या है, ठीक है, यूनिक पैटर्न्स जिसको हम इंट्रॉन्स कह सकते हैं। अब हम ह्यूमंस का आपस में जो कोडिंग जीएनए है वो 99.9% सेम होता है, ठीक है, और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है दैट इज़ 0.1% एंड दैट रीजन इज आल्सो कॉल्ड एसटीआरस। एसटीआर स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टेंडन रिपीट्स, ठीक है। अच्छा, हम RFLP की बात कर रहे थे। RFLP में क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम सैंपल के अंदर रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स ऐड करते हैं जो कि हमारे डीएनए सैंपल को फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में कट कर देता है। अब इसको कट करने के बाद हम इसको माइक्रो पिपेट में डाल लेते हैं, मतलब के थ्रू उसको उठाते हैं और उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डाल लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन क्या होती है? अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन एक ऑपरेटस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके साइज़ और इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेस पे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऑपरेटस में क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले इसमें बफर सॉल्यूशन डालते हैं। बफर सॉल्यूशन इसलिए डाला जाता है क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस के लिए हमें ये बफर सॉल्यूशन डालना पड़ता है। इसके बाद इसके अंदर 2 ग्लास प्लेट्स होती हैं, उसके अंदर हम उन ग्लास प्लेट्स के अंदर थोड़ा सा ना स्पेस होती है, इसको हम फिल करते हैं एग्रोस जेल के थ्रू। एग्रोस जेल को इस तरह से उसमें डालना है कि इसके अंदर किसी किस्म की स्पेस ना रहे, कोई बबल ना रह जाए, ठीक है। अगर वो बबल रह जाता है तो जो डीएनए इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डीएनए सैंपल डालने के बाद इसको मूव करवाना होता है, इसको बैटरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसमें से पास करवा के, तो वो जो स्पेस है वो नहीं होनी चाहिए ग्रॉस जेल के अंदर, वो मतलब अच्छे तरीके से लगाई जाए। उसके बाद इसमें हमने वेल्स बनाने होते हैं, ठीक है। वेल्स किस तरह से बनेंगे? इसकी कॉम्ब होती है, उसके थ्रू हम इसमें वेल्स बनाएंगे और उसमें जो पेस्ट बनेगी उसके अंदर हम माइक्रो पिपेट के थ्रू जो हमने फ्रेगमेंट्स बनाए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उनको इसमें डालेंगे। अब उसको डालने के बाद इसमें से करंट पास करेंगे। करंट पास करने के बाद हमें कुछ सैंपल्स जो है ना डीएनए पैटर्न्स वो ऑब्टेन होंगे, अब जिसको हम शॉर्ट टेंडन रिपीट्स कहते हैं। अब ये हमें विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ हमने इसमें चार्जेस पास किए। इसको विजिबल करने के लिए भी आगे मेथड है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो हमें पैटर्न्स आएंगे ये एक सीक्वेंशियल वे में आएंगे, पहले शॉर्ट मतलब छोटे छोटे आएंगे, फिर उसके बाद जो थोड़े लेंथ जिनकी इंक्रीज़ होती जाएगी वो आते जाएंगे। स्टार्टिंग पे छोटे होंगे और एंड पे जो है ना जिनकी लेंथ बड़ी होती जाएगी वो आते जाएंगे, और इसमें से जो एक्सेसिव डीएनए होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। अब इसको विजिबल करने के लिए हमें इसके ऊपर कोई मेथड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक नायलॉन मेम्ब्रेन है उसको रेडियोएक्टिवली लेबल करते हैं इस ऑपरेटस के साथ जो हमारी ग्लास शीट है ना उसके ऊपर। अब इसके करने के बाद हमें ये भी विजिबल नहीं है, लेकिन इससे ये है कि हमने लाइक उसका जो स्केच है वो हमने एक प्रिंट एक जो नायलॉन मेम्ब्रेन शीट है उसके ऊपर उतार लिया, लेकिन हमें विजिबल नहीं है। अब इसको विजिबल करने के लिए हम इसकी एक्सरे फिल्मिंग करेंगे। एक्सरे फिल्मिंग करने के बाद इसके जो हमें पैटर्न्स है वो हमें विजिबल हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, अब हम इसको एक क्राइम सीन के साथ रिलेट करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से यूज़ होती है।
लेट्स से कि एक क्राइम सीन किसी लोकेशन पे ना क्रिएट हो गया। अब उसमें क्या होता है कि फोरेंसिक्स वाले आते हैं, साइंस लैब वाले, वो आके क्या करते हैं, सैंपल्स वगैरह ले जाते हैं जो भी उधर ऑन द स्पॉट मिलता है उनको, और जाके उसकी ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, उसके पैटर्न्स निकाल लेते हैं। अब जो सस्पेक्ट्स होते हैं, जिन पे शक होता है, उसके बाद उनको लाया जाता है और उनके जो है ना सैंपल्स लेने के बाद उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेपरेटली की जाती है। उसके बाद जो क्राइम सीन के हमारे पास होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स, मतलब जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और सस्पेक्ट सीन की जो होगी इसको आपस में मैच करेंगे। अगर ये मैच करती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा उस क्राइम सीन में इन्वॉल्व था या उस टाइम उधर मौजूद था। हम ये नहीं कह सकते इसे 100% के ये बंदा भी इन्वॉल्व था। क्यों नहीं कह सकते? इसकी रीज़न ये है कि अभी इसमें डीएनए कंटेमिनेशन का भी सीन इन्वॉल्व होता है। लाइक हम किसी का डीएनए सैंपल ले लें और उसको उस केस में हम फंसा सकते हैं, ठीक है, ईजीली, जब हमारे पास उसके सैंपल हैं। तो इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा ही जो है ना उस केस में इन्वॉल्व है या क्राइम सीन में ये बंदा इन्वॉल्व है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन एक शक मतलब पता लग जाता है हमें कि ये बंदा था उस जगह पे। अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस में क्या है। इसमें हम सिंपली हम अपने ब्लड रिलेशंस हैं उनको ढूंढ सकते हैं, जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स में पैटर्निटी केसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, जब एक किसी बच्चे की बर्थ होती है तो वो मिसप्लेस हो जाते हैं, तो उस केसेस में क्या करते हैं कि वो बच्चों की जो है ना डीएनए सैंपल लेते हैं और पेरेंट्स का डीएनए सैंपल लेते हैं और मैच करते हैं। अगर वो मैच करता तो मतलब वो तक कि ये उनका बेटा है, मतलब ये उनका बच्चा है, तो ये इस चीज़ में ब्लड रिलेशंस को फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प आउट करता है। उसके बाद मिसिंग पर्सन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक डेड बॉडीज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स के लिए, जस्ट लाइक एक बच्चा है जो छोटी उम्र में गुम जाता है और मतलब 20 साल बाद कहता है कि वापस आ जाता है और कहता है कि मैं लाइक आपका बेटा हूँ तो या आप मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो किस तरह से पता लगेगा कि उसकी, उसके लिए हमें डीएनए प्रोफाइलिंग करवानी पड़ेगी, उसकी फिंगरप्रिंटिंग, देन हम बता सकते हैं कि ये इनका ही बेटा है। इसके बाद हमारे पास जो है ना हमारे फ्यूचर डिजीज़ जो होती हैं और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, प्रिडिक्शंस हैं, वो हम डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू बता सकते हैं ईजीली। इसके बाद हमारे पास बेस्ट लाइव एग्जाम्पल थी जुनेद जमशेद की, उनका प्लेन जो चित्राल में क्रैश हुआ था उसमें उनकी डेड जो आइडेंटिफिकेशन थी डेड बॉडी की, वो इसी तरह से की गई थी कि उनका डीएनए सैंपल लेके उनके जो भाई थे उनके साथ जो सैंपल है उसका मैच किया गया था और देन उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी बॉडी की। फिर इसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, लाइक 76,000 ईयर्स अगो एक मम्मीफाइड जो ह्यूमन ब्रेन था उसके ऊपर टेस्ट किया गया था डीएनए प्रोफाइलिंग का। वो क्या हमें बताता है, उसमें हमें उसके सैंपल्स भी मिले, हमें उसके जो पैटर्न्स हैं वो मिले, मतलब इससे हमें क्या मिलता है, मतलब क्या साबित होता है कि अल्लाह पाक ने हमें इस तरह से बनाया, इस तरह से हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है कि लाइक हम इतने सालों बाद भी हमारी बॉडी के अंदर जो वो डीएनए है उसके अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन है। मतलब हम मुसलमान होने के नाते हम सबका ये यकीन है कि हमें एक दिन मरना है और रोज़े हशर के दो दिन पर हमें उठाया भी जाना है। तो वो जो हमारी डीएनए जो हमारा है उसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसी के थ्रू हमारा जो है ना आगे जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलेगा। मतलब ये मतलब एक छोटी सी एग्जांपल थी जिससे मैं बताना चाह रहा था कि इंसान को अल्लाह पाक ने इस तरह से डिज़ाइन किया कि मतलब ये एक हमारे क़यामत के दिन के लिए ये एक निशानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास है कि हमें दोबारा उठाया जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी बेस्ट एग्जांपल है। दैट्स इट।